जी क्योर फिजियोथेरेपी केंद्र, जोड़ों का दर्द एवं गाठिया, गर्दन एवं कमर दर्द, कंधों का जाम होना, लकवा। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल और व्हाट्सएप। एक मकान में लंबे समय से सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था, जहां पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे पर दबिश देकर 10 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला एमपी के सीहोर से सामने आया है, जहां बस स्टैंड के पास एक मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था। यहां से 4 लड़कियां, 3 ग्राहक, 1 ड्राइवर, 1 संचालिका और महिला मैनेजर को पकड़ा है। पुलिस ने 28,710 रुपए नकदी भी जब्त की है। ये घर अनुपमा नाम की महिला का बताया जा रहा है, जो अपने आप को महिला नेत्री कहती थी। कई बीआईपी के साथ फेसबुक पर फोटो शेयर करती थी। साथ ही एक बार शिवसेना से नगर पालिका का भी चुनाव लड़ चुकी है। बताया गया कि लंबे समय से पुलिस को सेक्स रैकेट की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने देर रात छापामार कार्रवाई की। पकड़ी गई लड़कियां भोपाल से आती थी और हर ग्राहक से 500 रुपए लिए जाते थे। मामले में एडिशनल एसपी समीर यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। कुछ दिनों से लोगों के द्वारा ये जानकारी दी जा रही थी कि बस स्टैंड के पीछे वाले क्षेत्र में एक महिला के द्वारा इस तरह से अनैतिक देह व्यापार का काम किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसे पहले वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर व्यवस्थित रूप से इसमें एक टीम बना करके कल कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान वहां पर 5 महिलाएं और 5 पुरुष मिले हैं, जो कि इस अनैतिक देह व्यापार में शामिल थे। इन्हें हिरासत में ले लिया गया है और इनसे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जब वहां पर कार्रवाई की गई तो उसमें इन लोगों के पास से मोबाइल्स भी मिले हैं, नगद 28,000 लगभग रुपये कैश मिला हुआ है और इसके अलावा इनके पास से 2 फोर व्हीलर भी गाड़ी मिली है। इन सभी को सीज कर लिया गया है। फिजियोथेरेपी अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। फिजिक्योर फिजियोथेरेपी केंद्र, जोड़ों का दर्द एवं गाठिया, गर्दन एवं कमर दर्द, कंधों का जाम होना, लकवा, ऑर्थो न्यूरोपेन, विकलांगता, पुनर्वास, स्लिप डिस्क, साइटिका का दर्द, कंपिंग थेरेपी। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 8908902010 और व्हाट्सएप 7089188188।